और गहकार कम गवे संतो दुखा जाती, पुनः पुनः दुखा जाती, पुनः पुनः और गहकार कार दिठोसी पुनः गेह न का सबाते फासुका बक्का गय कूतम विसंकितम एंड एट द लास्ट ही सेड विसंकार गतम चित्तम विसंकार गतम चित्तम संगानम कयम अज्जकम ओके ही सेस कि नाउ आई हैव इरेडिकेटेड ऑल माय विसंकारस मैंने अपने सारे विसंकारस को इरेडिकेट कर दिया दिस विसंकारस वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू बर्थ बर्थ एंड डेथ बर्थ एंड डेथ और यह साइकिल चल रही थी है ना सिद्धार्थ गौतम कि ना आई और अब यहाँ से फिर उनको निर्वाणा प्राप्त हो गया सो गुड मॉर्निंग टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी ओके सो सिलेबस में आपके एक टॉपिक मैं यू सी हे इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी और भी दूसरे भी तीन रिलीजन है इस्लाम है क्रिश्चनिटी है जैनिज्म है सो so, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बट टुडे वी विल कवर द इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी सी बुद्धिज्म का इंडिया की सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ दैट वी विल स्टडी टुडे ओके यू सी हियर की देर आर टू पार्ट्स इन दिस वीडियो फर्स्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म ओके दो पार्ट में हम लोग कवर करेंगे इसको फर्स्ट वन इज फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म कि बुद्धिज्म है क्या और किस टेनेट्स के ऊपर बुद्धिज्म बेसिस है ओके फर्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म वंस यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म एक बार आपको बुद्धिज्म समझ में आ गया कि ओरिजिनेट कैसे हुआ किस टेनेट्स के ऊपर बेसिस है ये इसकी फिलॉसफी क्या है so then it will be easier for you to understand its impact on Indian society. Okay, so सबसे पहले हम लोग philosophy of Buddhism कवर करेंगे Okay, very important topic है See, uh, you see any question paper, मतलब prelims है चाहे mains है या फिर even interview में भी आपको पूछ सकते हैं Buddhism के बारे में SSC का exam है या फिर MPSC है state services है कोई भी स्टेट सर्विस का एग्जाम है या फिर इवन सेंट्रल सर्विस का एग्जाम है द फिलासॉफी ऑफ बुद्धिज़म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये सब जो फिलासोफीज़ है ये इंडिया में ओरिजिनेट हुई बुद्धिज़्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ जैनिज्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ सिखिज्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ हिंदुज्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ सो so, इन सब के फिलासफीज समझना बहुत ज़रूरी है ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना यू राइट एनी एग्जाम अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है ओके स्टिल बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि बुद्धिज्म के बारे में जानना है या इन जनरल भी आपको बुद्धिज्म के बारे में पता रहना चाहिए ओके सो देर आर सो मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन बुद्धिज्म टॉपिक कभी सिर्फ बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे समटाइम्स यूपीएससी हैज़ कंपेर्ड वॉट इज द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म विद जैनिज्म सो जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है है ना दोनों रिलीजन थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज भी है दोनों में और थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी है सो so, तो बुद्धिज्म आज हम लोग कवर करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जैनिज्म पढ़ने वाले हैं ओके सी नाउ स्टार्ट टूडे टॉपिक दैट इज फर्स्ट टॉपिक फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म ओके सी हियर द बुद्धिज्म इट वॉज स्टैब्लिश बाय इसको ध्यान से सुनना ओके okay, सी ये लेक्चर्स में सब चीजें लिंक्ड है बोध है ना इसको अगर स्किप करोगे सो सेकेंड मतलब इसके बाद में समझ में नहीं आएगा आप लोगों को एवरी थिंग इज लिंक और फिलासॉफी भी एकदम सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग अगर वीडियो लेक्चर्स को आप स्किप कर दोगे सो so फिर समझ में नहीं आएंगी फिलासॉफी यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वर्ड बाय वर्ड और ये सब कंसेप्चुअल चीज़ें ओके फिलासॉफी ऑफ बुद्धिज़्म याद करने की चीज़ नहीं है जैनिज़्म की फिलासफ़ी है ये सब याद करने की चीज़ें नहीं रहती दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके सी हियर फर्स्ट थिंग इज की बुद्धिज्म इट वॉज इस्टैब्लिश्ड बाय सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ओके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इनिशियली हिज नेम वॉज ओनली सिद्धार्थ गौतम बट वो तो जब उनको एनलाइटनमेंट हासिल हुआ ओके वेन ही अचीव निर्वाणा फिर उनके आगे बुद्धा जोड़ा गया ओके हिज नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम बट वेन ही अचीव निर्वाणा ओके ही वेन ही अचीव इनलाइटनमेंट फिर उसके बाद में उनके नाम के आगे बुद्धा जोड़ा गया ओके सो सिद्धार्थ गौतम के फादर है सुद्धोधन ओके okay? सुद्धोधन और हिज मदर नेम वॉज माया ओके एक सुद्धोधन फादर है उनके एंड हिज मदर नेम वॉज माया और इन दोनों से सिद्धार्थ गौतम की बर्थ हुई ही वॉज दी सन ऑफ दिस कपल ओके लुम्बिनी में पैदा हुए अभी थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लो सिद्धार्थ गौतम लुम्बिनी में पैदा हुए अभी मॉडर्न डे नेपाल में है ये लुम्बिनी और अराउंड 563 हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री ओके सी एक स्टोरी है कि जब सिद्धार्थ गौतम आ, के मम्मी जैसे जब ये माया वेन शी वॉज प्रेगनेंट जब सिद्धार्थ गौतम वॉम्ब में थे सो शी हैड अ ड्रीम सो माया को एक ड्रीम आया कि इन दैट ड्रीम शी सॉ अ ब्यूटिफुल वाइट एलिफेंट ओके शी सॉ अ वाइट एलिफेंट वाइट एलिफेंट एंड दिस वाइट एलिफेंट शी शी हैड सीन इन अ ड्रीम कि वो जो वाइट एलिफेंट है दैट वाइट एलिफेंट वॉज एंटरिंग इन टू हर वॉम्ब है ना दिस वाइट एलिफेंट इज अ साइन ऑफ ग्रेटनेस तो माया को इतना तो पता चल गया था कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी या बहुत नॉलेजेबल पर्सन ही इज अबाउट टू टेक अ बर्थ इन दिस वर्ल्ड ओके रहता है ना कोई चीज होने से पहले उसके इंडिकेशंस मिल जाते हैं वैसे ही द ड्रीम दैट शी हैड सीन इन दैट ड्रीम शी सॉ वाइट एलिफेंट दिस वाइट एलिफेंट इज अ साइन ऑफ ग्रेटनेस ओके वाइट एलिफेंट इज अ साइन ऑफ ग्रेटनेस तो बुद्धा के मम्मी को यह ड्रीम में पहले ही दिख गया था कि सम ग्रेट पर्सनैलिटी इज अबाउट टू बी बॉर्न ये तो उनको पता चल गया था ओके okay. सो so, उसके बाद में जब बुद्धा आ, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा हम लोग बाद में बोलेंगे नाउ यू विल कॉल ओनली सिद्धार्थ गौतम बिकॉज राइट नाउ अभी एनलाइटनमेंट उनको हासिल नहीं हुआ नॉट अचीव निर्वाणा अभी वो जर्नी स्टार्ट हो रही है ओके okay. सिद्धार्थ गौतम ही वॉज बॉर्न ओके अराउंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री बी सी में पैदा हुए सिद्धार्थ गौतम और उसके बाद में लुम्बिनी अराउंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री बी सी ओके सो सिद्धार्थ गौतम के जो फादर थे सुधोधन वॉज अंग ओके सिद्धार्थ गौतम के जो फादर है सुद्धोधन किंग ही बिलोंग टू

नेमिंग सेरेमनी के में उनके फादर ने सब रिलीजियस लोगों को इनवाइट किया ओके सो दिस रिलीजियस पीपल केम एंड दे सॉ सिद्धार्थ गौतम तो जब उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को देखे सभी लोगों ने सो दे प्रेडिक्टेड मोस्टली दे प्रेडिक्टेड टू थिंग्स अबाउट सिद्धार्थ गौतम एक तो दे सेड कि इधर दिस पर्सन ही विल बी ए किंग ओके दे प्रेडिक्टेड दिस थिंग्स ध्यान से सुनना दे सेट कि इधर दिस पर्सन विल बी ए किंग या तो वो राजा बनेंगे और ही विल बी ए रिलीजियस लीडर ओके और ही रिलीजियस लीडर सो ये सब प्रेडिक्शंस किए गए थे सिद्धार्थ गौतम के बारे में कि दोनों भी प्रिडिक्शंस बहुत हाई थे है ना या तो वो किंग बनेंगे आगे चल के बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो फिर वो एक रिलीजियस लीडर बनेंगे ओके बट सिंस हैव सेड कि सिद्धार्थ गौतम फादर्स मसेल्फ वॉज किंग सो शुद्धोधन हमेशा चाहते थे कि सिद्धार्थ गौतम उनकी किंगशिप को इनहेरिट करे ओके हिज फादर ऑलवेज वॉन्टेड सिद्धार्थ गौतम टू इनहेरिट हिज किंगडम एंड एक्सपांड हिज़ किंगडम इन दर इंडिया सो अब उनके फादर की ये डिजायर थी उनके फादर की यह ख्वाहिश थी कि सिद्धार्थ गौतम उनका किंगशिप संभाले और उस किंगशिप को आगे बढ़ाए ओके बट है ना कुदरत को इट्स लाइक नेचर को कुछ और ही मंजूर था ओके okay? सी अब ये स्टोरी चेंज कहां से हुई ही वॉज बॉर्न प्रिंस और फिर प्रिंस से लेकर तो एक रिलीजियस टीचर और बुद्धिज्म का स्टैब्लिशमेंट यहां तक तो सब ठीक था सो देन सिद्धार्थ गौतम ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ सिक्सटीन ओके यू सी हियर सिद्धार्थ गौतम राइट सो ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ सिक्सटीन टू यशोधरा सो so, यशोधरा से उनकी शादी हुई एट द एज ऑफ सिक्सटीन वेरी यंग एज उनकी शादी हो गई यशोधरा से और एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन अ सन वॉज बॉर्न टू सिद्धार्थ गौतम दैट वॉज राहुल ओके सो एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन सिद्धार्थ गौतम को एक बेटा हुआ एंड हिज नेम वॉज राहुल ओके सो ये सब यहाँ तक तो एकदम नॉर्मल लाइफ चल रही थी है ना क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के फादर हमेशा चाहते थे कि सिद्धार्थ गौतम जो है उनकी किंगशिप को इनहेरिट करे सो हिज फादर ऑलवेज यूज टू कीप सिद्धार्थ गौतम इन साइड द पैलेस है ना ताकि सिद्धार्थ गौतम को बाहर की दुनिया का मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए उसमें सो ही यूज टू प्रोवाइड ऑल द प्रिलेजेस ऑल द लग्जरी टू सिद्धार्थ गौतम ओके इनकी लाइफ बहुत प्रिविलेजेस बहुत प्रिविलेज रही ही हैड ऑल द थिंग्स ओके ही हैड फ्रेंड्स He had all you know uh, this servants उनका काम सुनने के लिए उनके पास सारी लक्ष्यरी थी okay so अब story कहाँ से change हुई कि एक दिन सिद्धार्थ गौतम he went outside with his friend okay his friend's name was चन्ना so उनके friend का नाम था चन्ना सिद्धार्थ गौतम एक बार अपने friend के साथ बाहर गए okay so फर्स्ट एनकाउंटर में he saw an old person okay siddharth gautam he saw an old person he saw an old person so siddharth gautam ne dekha us insaan ko and he asked his friend channa ki ye kya hota hai kyunki siddharth gautam ne abhi tak ye sab cheez se dekhi nahi thi so he asked his friend channa to explain this so channa ने siddharth gautam को बताया कि this is human body okay ये human body का nature है. जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाएंगे एज वी स्टार्ट ग्रोइंग ओल्डर यू नो आवर आवर बॉडी स्टार्ट्स एजिंग ओके सो सिद्धार्थ गौतम को ये चीज़ बहुत नहीं लगी और वो फिर उसके ऊपर कंटिन्यूसली सोचने लगे कि अच्छा ऐसा भी होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो उसमें एजिंग होना स्टार्ट होती है फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर सिद्धार्थ गौतम बाहर और गए अपने फ्रेंड चन्ना के साथ एंड दिस टाइम ही सॉ एन ओल्ड पर्सन विथ अ डिसीज दिस टाइम ही सॉ एन परसन विथ द डिस डिसीज पर्सन फिर सिद्धार्थ गौतम थोड़े से फिर विचार में चले गए कि अगेन ही आस्ट इज फ्रेंड चन्ना की ये क्या है इसको एक्सप्लेन करो सो so, चन्ना सेट की नो बडी इज इम्यून फ्रॉम दी डिस सबको कोई ना कोई डिसीजेस होती है जैसे जैसी हम लोग है ना हमारी बॉडी थोड़ा सा वीक होते जाती है सो so, ये डिसीजेस तो आना एकदम नॉर्मल है ओके नो बडी इज इम्यून फ्रॉम द डिस नो बडी इज इम्यून फ्रॉम द सिकनेस सो ये नॉर्मल है ठीक है फिर सिद्धार्थ गौतम इसके ऊपर भी विचार करने लगे देन अगेन नेक्स्ट डे फिर वो लोग बाहर गए तो so, दिस टाइम सिद्धार्थ गौतम सॉ अ डेड बॉडी ओके दिस टाइम सिद्धार्थ गौतम सॉ अ डेड बॉडी फिर उसके बाद में फिर वो चक्र आ गए अगेन सिद्धार्थ गौतम स्टार्टेड थिंकिंग की ये क्या होता है फिर उसके बाद में उन्होंने अपने फ्रेंड चन्ना को पूछे कि ये क्या फिनोमिना है इसको एक्सप्लेन करो सो so, चन्ना सेट कि नो बड इज इम्यून फ्रॉम द डेथ सब लोग एक दिन मरने वाले ओके एवरी वन इज गोइंग टू डाई वन डे सो इन सब चीज़ों का इन सब एनकाउंटर्स का सिद्धार्थ गौतम के दिमाग पर इतना डीप इम्पैक्ट हो रहा था ही कंटिन्यूअसली स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स फिर नेक्स्ट डे और एक बार वो बाहर गए एंड दिस टाइम ही सॉ एन एसेटिक ओके दिस टाइम ही सॉ एन एसेटिक योगी टाइप जो लोग रहते हैं ना फॉरेस्ट में जो रहते हैं रिलीजियस लोग सो सिद्धार्थ गौतम ने इनको देखा दिस मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट ओके ये फॉरेस्ट में रहते सिद्धार्थ गौतम ने जब इनको देखा कि ये फॉरेस्ट में रह रहे ओके दिस पर्सन ईट्स वेरी लिटिल फूड ही ऑल्सो हैड अ मॉडरेट क्लॉथ्स ऑन हिमसेल्फ बट दिस पर्सन सीम्ड कंटेंट ओके ही सीम्ड सेटिस्फाइड वो वो अनहैप्पी नहीं दिख रहा है ओके okay? वो जंगल में रहने के बाद भी उसके चेहरे पर हैप्पीनेस है उसके चेहरे पर खुशी है ही सैटिस्फाइड और इन सब चीज़ों का सिद्धार्थ गौतम के माइंड पर इतना डीप इम्पैक्ट हुआ कि ये सब संसार में क्या है वाई देर इज़ अ ह्यूमन सफरिंग लोग इतने परेशान क्यों है कुछ लोग के पास कुछ भी नहीं है फिर भी देर सीम्ड वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट एवरी वन ऑलमोस्ट एवरी वन इन दिस संसार दे आर सफरिंग कंटिन्यूसली ओके सो सिद्धार्थ गौतम को इन सब चीजों का आंसर ढूंढना था सो ही वॉज वेरी फर्म ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर फॉर ऑल दिस थिंग्स बट ही ऑल्सो न्यू दैट ही कैन नॉट फाइंड द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन बाई लिविंग इन साइड द पैलेस ओके सो ही डिसाइडेड टू लीव हिज पैलेस तो एक रात में जब सिद्धार्थ गौतम की वाइफ यशोधरा एंड हिज सन राहुल आ दे बोथ वेर स्लीपिंग सिद्धार्थ गौतम लेफ्ट इज होम उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ओके okay, सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर छोड़ दिया अपनी वाइफ छोड़ दी बच्चे छोड़ दिए सर्वेंट्स छोड़ दिए पैलेस अपनी लग्जरी छोड़ दिए है ना सारे जो उनको प्रिविलेजेस थे वो सब छोड़ दिए वाई ही बिकॉज ही वॉन्टेड टू यू नो फाइंड आउट द आंसर्स टू हिस क्वेश्चन सिद्धार्थ गौतम के लिए वो क्वेश्चन को क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ओके यू सी द करेज ऑफ दिस मैन कि जिसके पास सारे प्रिविलेजेस है वो अपने सारे प्रिविलेजेस छोड़ के एक ऐसी जर्नी पर निकल गया कि जिसका पता नहीं क्या एंड है ओके बिकॉज ही हैज टू लिव इन द फॉरेस्ट ही हैज लिव अलोन ही इवन ही डिड नॉट नो कि वो जर्नी कैसे कंप्लीट करेंगे यू सी द करेज लोगों को लग्जरी चाहिए प्रिवलेजेस चाहिए कंफर्ट्स चाहिए और यहां पर सिद्धार्थ गौतम के पास सारे कंफर्ट रहने के बाद में भी वो अपने सारे कंफर्ट छोड़ के फॉरेस्ट में चले गए क्यों चले गए बस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना है ट्रूथ सच्चाई का पता लगाना है कि ये चल क्या रहा है लोग इतने सफर क्यों कर रहे हैं वाई देर इज दुख एवरीवेयर ओके वाई देर इज अ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड सो चले गए सिद्धार्थ गौतम अब यहां से उनकी एक जर्नी स्टार्ट हो गई ओके सो ही वेंट इंटू द फॉरेस्ट ही ट्रेवल कंटिन्यूअसली फॉर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर ओके बस उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई पैदल चलते थे और जितने भी लोग उनसे रिलीजियस लोग उनसे मिले ये जर्नी में ही यूज टू आस्ट देम क्वेश्चन ओके सो सिद्धार्थ गौतम यूज टू आस द क्वेश्चन अबाउट लाइफ एंड डेथ एंड संसार एंड हैप्पीनेस एंड दुख एवरीथिंग बट सिद्धार्थ गौतम को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला ओके ही ऑल्सो लर्न द टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम अदर टीचर बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड ओके सो अगेन ही कंटिन्यूड हिज जर्नी सो उस जर्नी में सिद्धार्थ गौतम का वेट लॉस हो गया है ना उनका चेहरा काला पड़ गया और सिद्धार्थ गौतम सेस कि आई वॉज आई वॉज सो थिन यू नो आई बिकेम सो थिन कि इवन माई बोन्स वेयर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड ये उनकी कंडीशन हो गई थी एंड हिज कंडीशन रीच टू सच अ बैड सिचुएशन कि सिद्धार्थ गौतम की डेथ भी हो सकती थी ओके ही 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 वुड हैव डाइड और अगर उनकी डेथ हो जाती तो शायद ये सब बुद्धिज़्म वगैरह भी नहीं रहता है ना बट अगेन जो चीज़ें होना है वो तो होके ही रहेंगी ओके दिस ग्रेट पर्सन हैज़ बॉर्न टू स्प्रेड द नॉलेज और ये तो होना ही था फिर सो सम हाउ ही सर्वाइव्ड एक इतने थक गए सिद्धार्थ गौतम ये जर्नी में वेट लॉस हो गया आप हेल्थ खराब हो गई ऑलमोस्ट डेथ होने वाली थी तो झाड़ के नीचे जाकर बैठे एक सो किसी लेडी ने फिर उनको खाना ला कर दिया सो फिर उसके बाद में थोड़ा सा उनको अच्छा लगा और फिर सिद्धार्थ गौतम सेठ की टिल नाउ आई हैव ट्राई टू फाइंड आउट माई आंसर्स फ्रॉम आउटसाइड है न अभी तक मैंने अपने सारे क्वेश्चन के आंसर बाहर से ढूंढना स्टार्ट किया बट नाउ आई विल टर्न इनवर्ड्स ओके अब मैं अपने भीतर आंसर ढूंढूंगा सिद्धार्थ गौतम सेस कि टिल नाउ आई हैव ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम आउटसाइड बट नाउ आई विल ऑब्जर्व माई सेल्फ अब मैं अपने भीतर जाऊंगा और अपने भीतर मैं जाकर अपने आप को ऑब्जर्व करके देखूंगा कि यहाँ पर मुझे क्या आंसर मिलते देन ही स्टार्टेड मेडिटेशन और फिर वो जिस झाड़ के नीचे मेडिटेशन करने के लिए बैठे दैट इज़ कॉल्ड दैट ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस बोधी ट्री है ना इसीलिए वो झाड़ की भी पूजा होती है इंडिया में क्योंकि उसके नीचे सिद्धार्थ गौतम बैठे थे मेडिटेशन करने के लिए सो देन ही टर्न इन वट्स एंड ही स्टार्टेड मेडिटेशन और फिर सिद्धार्थ गौतम ने अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया राइट ही मेडिटेटेड कंटिन्यूसली फॉर फाइव डेज टेन डेज ट्वेंटी डेज थर्टी डेज फोर्टी डेज और 49 डेज तक कंटिन्यूस मेडिटेशन करते रहे सिद्धार्थ गौतम ओके okay, और एक स्टोरी भी है जिसमें मरा डेमोन इट्स लाइक like एक एविल है शैतान जिसको बोल सकते हैं हम लोग सो ही ट्राई टू डिस्टर्ब द सिद्धार्थ गौतम फ्रॉम अचीविंग एनलाइटनमेंट बट सिद्धार्थ गौतम इतने फर्म थे अपने डिसीजन पे कि अनटिल एंड अनलेस ही हीस की अनटिल एंड अनलेस आई गेट एन आंसर मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा सो so लास्ट में उन्होंने वो डेमोन को भी डिफीट किया और वो सारे डिस्ट्रैक्शन जो सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटनमेंट अचीव करने से दूर रख रहे थे सिद्धार्थ गौतम डिफीटेड ऑल ऑफ देम एंड उसके बाद दी नाइन डेज कंटिन्यूसली मेडिटेशन अचीव करने के बाद में ही अचीव निर्वाणा ओके अब सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया सिद्धार्थ गौतम अचीव निर्वाणा ओके सो ही अचीव्ड निर्वाणा एंड फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज कॉललेस बुद्धा निर्वाणा वट इज द मीनिंग ऑफ निर्वाणा एक्चुअली कि ये निर्वाणा का मतलब क्या होता है इट मीन्स सिद्धार्थ गौतम फ्रीड हिमसेल्फ़ फ्रॉम ऑल क्रेविंग्स ओके अब कोई क्रेविंग्स या आप कोई डिजायर नहीं है ही फ्रीड हिमसेल्स फ्रॉम ऑल द्रेविंग्स ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द डिजायर एंड नाउ ही गॉट एन एनलाइटनमेंट और अब यहां सेस बुद्धा ओके okay. और सिद्धार्थ गौतम ने जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ वेन ही अचीव दिस नॉलेज दैट द कॉज ऑफ सफरिंग इज आवर ह्यूमन माइंड ओके ये हमारा चित्त है ये हमारा ह्यूमन माइंड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सफ़रिंग और सिद्धार्थ गौतम सेस कि नाउ आई हैव इरेडिकेटेड ऑल माई क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स दिस इज वॉट इज निर्वाणा एंड द फर्स्ट श्लोक दैट केम फ्रॉम द माउथ ऑफ़ सिद्धार्थ गौतम सो सिद्धार्थ गौतम को जब निर्वाणा प्राप्त हुआ सो सिद्धार्थ गौतम सेस अनेक जाति संसारण संधा विषम अनी विसंव, और और कम गवे संतो, दुखा जाति पुनः पुनः दुखा जाति पुनः पुनः और गहकार दिठ्ठो पुनः गेहन काहसी सबाते फासुका बग्गा गहकूतम विसंकितम एंड एट द लास्ट ही सेड विशंकारगतम चित्तम विसंकारकतम चित्तम अंगानम कम अज्जगम ओके ही सेस की नाउ आई हैव इरेडिकेटेड ऑल माय विसम मैंने अपने सारे विसम को इरेडिकेट कर दिया दिस विसम कारास वे रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू बर्थ बर्थ एंड डेथ बर्थ एंड डेथ और ये साइकिल कंटिन्यूसली चल रही थी है ना सिद्धार्थ गौतम सेष कि नाउ आई हैव इराडिकेटेड ऑल द विसम और अब यहाँ से फिर उनको निर्वाणा प्राप्त हो गया ओके ही फ्रीड हिमसेल्फ ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल डिजायर और यहाँ से जो उनको नॉलेज प्राप्त हुआ देन ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग हिज नॉलेज राइट सो ही केम आउट विद द फोर इंपॉर्टेंट नॉबल ट्रूथ्स ओके यहाँ पर ध्यान दो ही केम आउट विद द फोर इंपॉर्टेंट नॉबल ट्रूथ्स ओके ट्रूथ सिद्धार्थ गौतम सेस फर्स्ट ट्रूथ ही गेव दैट इज ट्रूथ ऑफ दुखा ट्रूथ ऑफ दुखा सिद्धार्थ गौतम से वर्ल्ड में सफरिंग है।, है ना ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यूसली सफरिंग दुख सो फर्स्ट ट्रूथ दैट ही केम आउट विथ इज दैट इज ट्रूथ ऑफ दुख कि एवरी वन इज सफरिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रूथ ही गेव इज दैट इज समुदया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समुदया समुदया इेविंग्स क्यों हो रही है अब ये इन संसार में दुख क्यों है इट इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस क्रेबिंग एंड कंटिन्यूअस डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम ने क्या बोला सबसे पहले ही सेट की human being is continuously suffering and what are the causes of suffering the causes of suffering is the cravings and desires but third important truth he said that is nirodha he said it is possible it is possible to end the suffering of human being it is possible टू एंड द सफरिंग ऑफ ह्यूमन बींग सी कितने सिक्वेंस में उन्होंने अपने नॉलेज को बताया सबसे पहले वो बोल रहे कि संसार में दुःख है लेकिन उन्होंने रीजन भी बताया कि ये दुख का रीजन क्या है द रीज़न ऑफ दुःख इज कंटिन्यूस क्रेविंग्स कंटिन्यूस डिज़ायर्स बिट बट फिर थर्ड में उन्होंने लोगों को एक यू you नो know, एक होप दी कि दिस डिज़ायर्स दिस क्रेविंग्स कैन बी एंड इट इसका यू नो सोल्यूशन है एंड वॉट इज द सोल्यूशन दैट इज फोर्थ फोर्थ इम्पॉर्टेंट ट्रूथ दैट इज मग्गा फोर्थ इम्पॉर्टेंट ट्रूथ एंड दैट इज मग्गा इट मीन्स वॉट कि जिसको अपने डिजायर्स एंड करने हैं ही और शी शुड फॉलो द एट फोल्ड पाथ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस मिडल पाथ सो बुद्धा केम अप विथ दी मिडल पाथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिडल पाथ सो बुद्धा केम अप विथ मिडल पाथ अब बुद्धा ने एट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए ट प्रिंसिपल्स दे आर कॉल्ड एस मिडल पाथ सो जिसको अपनी क्रेविंग्स खत्म करना है जिसको निर्वाह प्राप्त करना है जिसको अपने डिजायर खत्म करना हैल्सो कॉल्ड एस मिडल पाथ ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर यू सी हियर ओके फर्स्ट इज हीस यहां ध्यान दो एट नोबेल पाथ फर्स्ट इज हि सेट की राइट स्पीच ओके okay. राइट स्पीच सेकेंड ही सेस कि राइट एक्शन राइट एक्शन लो थर्ड ही सेस कि राइट लाइवलीहुड राइट लाइवलीहुड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग ही सेड कि राइट एफर्ट राइट एफर्ट लो राइट एफर्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग ही सेस कि राइट माइंडफुलनेस राइट माइंडफुलनेस ओके राइट माइंडफुलनेस सिक्स्थ इंपॉर्टेंट ही सेस कि राइट कॉन्सेंट्रेशन राइट कॉन्सेंट्रेशन राइट राइट कॉन्सेंट्रेशन सेवेंथ इंपॉर्टेंट ही सेस की राइट और एर्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही सेस की राइट अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग ओके सेवेंथ इंपॉर्टेंट इज राइट थाट और एथ इंपॉर्टेंट इज राइट अंडरस्टैंडिंग ओके समझ में आ रहा सीक्वेंस देखो सबसे पहले सीक्वेंस देखो बुद्धा ने 49 नाइन डेज कंटिन्यूअसली मेडिटेशन किया मेडिटेशन करने के बाद बुद्धा अचीव निर्वाणा कैसे निर्वाणा प्राप्ति हुई बिकॉज ही ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द क्रेविंग्स एंड डिजायर्स फिर बुद्धा ने फोर नॉबल टूथ दिए कि संसार में सफरिंग है और ये सफरिंग का रीजन क्या है कंटिन्यूअस ह्यूमन क्रेविंग्स और डिजायर्स सो बुद्धा सेट की ये क्रेविंग्स और डिजायर को एंड भी किया जा सकता है कैसे एंड किया जा सकता है बाय फॉलोइंग दी एट नोबेल पाथ ओके दिस कंप्लीट इज कॉललेस मिडल पाथ कैसे राइट स्पीच राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड राइट एफर्ट राइट माइंडफुलनेस राइट कॉन्सेंट्रेशन राइट थॉट और राइट अंडरस्टैंडिंग ओके सो दिस इज वॉट द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म ऑफ बुद्धिज्म ओके सारे सवालों के जवाब अंदर है ओके okay, सारा ह्यूमन सफरिंग का एक ही रीजन है दैट इज ह्यूमन माइंड जिसने अपने माइंड को कंट्रोल किया उसने अपनी सफरिंग को एंड किया राइट जिसने अपने माइंड को कंट्रोल किया उसने अपने यू you नो know, अपना उद्धार किया उसने अपना निर्वाणा प्राप्त किया राइट सो नाउ ही वॉज इज द एज ऑफ बुद्धा वेन ही अचीवड एनलाइटनमेंट हिज एज वॉज थर्टी फाइव इज द एज ऑफ बुद्धा वेन ही अचीव द एनलाइटनमेंट सो so, उनकी एज थी उस टाइम पे 35 फाइव सी ही थर्टी फाइव एज और फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली 45 फाइव ईयर तक नेक्स्ट 45 फाइव ईयर तक बुद्धा ने अपने जो टीचिंग्स उनको हासिल हुई उसको बुद्धा ने स्प्रेड किया ओके एट द एज ऑफ 35 फाइव ही अचीव्ड एनलाइटनमेंट एंड फॉर द नेक्स्ट फोर्टी फाइव ईयर्स कंटिन्यूअसली बुद्धा ने प्रैक्टिकली जो टीचिंग्स हासिल करी बुद्धा को जो फील हुआ वो नॉलेज उन्होंने लोगों तक स्प्रेड किया राइट ही ट्रैवल्ड कंटिन्यूसली अगेन फॉर हंड्रेड्स एंड वन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इंडिया के कॉर्नर्स में उन्होंने ट्रैवल किया लोगों को अपना मैसेज बताया लोगों को अपनी टीचिंग्स बताया ओके सी सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर हियर है ना इतना आसान नहीं है अपना फेथ चेंज करके किसी और की टीचिंग्स को अपनाना ओके okay, सो so बुद्धा से बहुत सारे लोगों ने सवाल किए कि बर्थ क्या है डेथ क्या है सफरिंग क्यों हो रही है संसार क्या है ये साइकिल कैसे टूटेंगी सो so बुद्धा ही वॉज वेरी नॉलेजेबल पर्सन ही वॉज वेरी काम वेरी कंपोस्ट पर्सनैलिटी वेरी कंपैशनेट एंड वेरी लवेबल तो इतने ही was ही was also एन एक्सीलेंट डिबेटर इट इज also रिटन इन बुक्स कि बुद्धा ही वॉज एन एक्सीलेंट डिबेटर तो वो बुद्धा इतने अच्छे तरीके से लोगों के क्वेश्चन को आंसर करते थे कि पीपल वो एवर कम्स टू मीट बुद्धा टू आस क्वेश्चन ही वुड गो सेटिस्फाइड ओके वो अपने सारे क्वेश्चन के आंसर लेकर जाता था है ना बुद्धा ने किसी को फोर्स नहीं किया है ना बुद्धा ने अपना मैसेज बहुत प्रैक्टिकल तरीके से स्प्रेड किया जो उनको हासिल हुआ वो बुद्धा ने स्प्रेड किया है ना ऐसे ही इतना बड़ा फिलॉसफी और इतने सारे इसके फॉलोअर खड़े नहीं हो गए बुद्धा ने 45 इयर्स तक अपना सारे मैसेजेस सारी टीचिंग्स लोगों को बताई और लोगों ने प्रैक्टिकली इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया ओके पीपल एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द थियोरटिकल नॉलेज ओके दिस इज नॉट द थियोरटिकल नॉलेज बुद्धा को नॉलेज कैसे हासिल हुआ बिकॉज बुद्धा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस थिंग्स एंड ही टॉट दिस टू अदर पीपल टू अचीव निर्वाणा लोगों ने भी फिर प्रैक्टिकली इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया लोगों को उसका फायदा हुआ पीपल एक्सेप्टेड हिज टीचिंग पीपल एक्सेप्टेड हिज नॉलेज एंड देन दैट फेथ कंटिन्यूसली स्प्रेड इन साइड इंडिया ओके दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इट इज दर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा इट्स सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघा ये पॉइंट ध्यान में रखो सी कैसे बुद्धिज्म का स्प्रेड हो रहा है इंडिया एक तो पहले पर्सनैलिटी बुद्धा की एक्सेलेंट पर्सनैलिटी वेरी नॉलेजेबल पर्सन वेरी काम एंड कंपोस्ट माइंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज द संघा ओके संघा ये संघा अभी तक इंडिया में नहीं थे ओके okay, ये संघा अभी तक इंडिया में सिस्टम नहीं था संघा का व्हाट इज मीनिंग ऑफ संघा इसमें डेडिकेटेड लोग हैं जो अपने बुद्धिज्म की स्प्रेडिंग बुद्धिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए तैयार है they have, they have कि बस बुद्धिज्म को स्प्रेड करना है यही पर्पस है उनका डेडिकेटेड लोग है बहुत okay? तो अभी जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में एक आरएसएस है जो हिंदुइज्म की एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जमात इस्लामी है जो मुस्लिम्स की डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और भी सिख लोगों में भी है जैन में भी है क्रिश्चियंस में भी एनजीओस है ओके सो वॉट दिस ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग दे आर स्प्रेडिंग द कॉज ऑफ देर रिलीजन ओके वो अपने रिलीजन को स्प्रेड कर रहे हैं बट यू सी ये कब की बात है फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री बी सी अराउंड 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 फाइव हंड्रेड बी सी पकड़ लो So, उस टाइम पे बुद्धा ने संघा की स्थापना करी डेडिकेटेड लोग बनाए जो रिलीजन को फैलाएंगे ओके okay? जो आ, जो बुद्धा की टीचिंग्स को फैलाएंगे ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया संघा का स्टेब्लिशमेंट और ये इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि इवन बुद्धिज्म इवन हिंदुइज्म इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द संघा फिर संघा से इन्फ्लुएंस होकर हिंदुइज्म ने भी अपने रिलीजन में अलग अलग ग्रुप्स बनाए है ना अभी तक हिंदुइजम में भी रिलीजियस लोग थे लिसन वेरी केयरफुली अभी तक हिंदुइज़म में भी रिलीजियस लोग थे बट दिस रिलीजियस पीपल दे वे आर फॉलोइंग एंड स्प्रेडिंग हिंदुइज़म एट द इंडिविजुअल लेवल ये संघा ग्रुप एक्टिविटी है ये इंडिविजुअल लेवल नहीं है यहाँ पर ग्रुप लोग है और ये स्प्रेड हो रहे हैं अपना मैसेज बुद्धिज्म का स्प्रेड कर रहे स्प्रेड कर रहे हैं ओके सो नाउ यू सी हियर कि एक एक इंसान जिसका ये पर्पस भी नहीं था कि किसी रिलीजन की स्थापना करनी है ओके बुद्धा नेवर सेड दैट ही वांटेड टू अ रिलीजन और बुद्धिज्म रिलीजन भी नहीं है माइंड यू ओके अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुद्धिज्म को एज अ रिलीजन कंसीडर करती है बिकॉज सिंपली लोग वो पॉपुलेशन क्ला, को क्लासिफाई करने के लिए बट बुद्धिज्म जब इस्टैब्लिश हुआ था इट वॉज नॉट अ रिलीजन बुद्धिज्म इट वॉज नॉट अ रिलीजन बुद्धिज्म इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ बुद्धिज्म इट वॉज अ टीचिंग ओके सो so, बुद्धा सेट की मैंने रिलीजन की स्थापना नहीं की एंड आई एम नॉट फ्रॉम गॉड और बुद्धा सेट आई एम नॉट फ्रॉम गॉड और जब बुद्धा का इवन लास्ट टाइम था सो इवन लास्ट टाइम में भी बुद्धा ने अपने साधकों को ये बोल के गया ये बोल के वो गए कि डू नॉट कंसिडर मी एज अ गॉड ओके बट रादर जो मैंने तुमको टीचिंग्स बताई है उस टीचिंग्स को स्प्रेड करते रहना बट डू नॉट कंसिडर मी एज अ गॉड ओके okay. सो so, बुद्धा ने रिलीजन की स्थापना नहीं की ओके okay. बुद्धा कभी चाहते भी नहीं थे कि किसी रिलीजन की वो स्थापना करें बुद्धा अपने घर को छोड़ के बाहर निकले कुछ अपने डाउट्स थे उनके बहुत सारे सवाल थे उनका आंसर लेने के लिए उनको प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज हासिल हुआ वो नॉलेज उन्होंने लोगों को स्प्रेड किए द नॉलेज ऑफ मिडल पाथ द नॉलेज ऑफ नॉन वायलेंस ओके सो यू सी हियर कि एक इंसान जो बस इसलिए घर से निकला था कि अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है नाउ हिज टीचिंग इज फॉलोड इन द एंटायर वर्ल्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ पीपल 50 करोड़ पीपल ओके मोर देन हाफ अ बिलियन पीपल फॉलोज दी फिलोसोफी ऑफ बुद्धा ओके सो ये पावर है बुद्धा की टीचिंग्स का ओके okay, सो so, फिर उसके बाद में बुद्धा जैसे जैसे उनकी बॉडी की एजिंग होते गई सो लास्ट में ही रीच्ड एंड एट्टी ईयर्स ऑफ एज और फिर लास्ट तक भी अपना वो बुद्धिज़म का मैसेज स्प्रेड करते रहे और अपने साधकों को गाइड करते रहे अपने फॉलोअर्स को गाइड करते रहे सारी ह्यूमैनिटी को गाइड किया एंड फाइनली एट द एज ऑफ एट्टी बुद्धा पास्ट अवे एंड दिस इज़ कॉल्ड एस महापरि निर्वाणा ओके okay. सो so, पहले उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था पहले उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था आफ्टर 49 नाइन डेज ऑफ मेडिटेशन बट नाउ एट एटी ही डाइड एंड दिस इज कॉल्ड एस निर्वाणा। ओके महापरिनिर्वाणा निर्वाणा। याद रखना है निर्वाणा। ओके okay. So, अभी भी बुद्धा ने जो अपनी टीचिंग्स को यू नो स्प्रेड किया लोगों तक वो आज भी प्रिजर्व है ओके okay, विपसना सेंटर्स के नाम सुने हो इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में विपसना सेंटर्स है और वहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है ओके okay, पहले आपको ग्रुप मेडिटेशन सिखाया जाएगा फॉर द टेन डेज और देन और फिर उसके बाद में देर आर सम इंडिविजुअल मेडिटेशंस आल्सो ओके फिर उसके बाद में लास्ट के दो तीन दिन में आपको इंडिविजुअली भी मेडिटेशन करना पड़ेगा सो so, जो नॉलेज बुद्धा ने उस टाइम पे हासिल किया था आज भी उस नॉलेज को प्रिजर्व किया गया देर आर पीपल देर आर वेरी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है अभी भी संघ के लोग हैं संघा के लोग हैं अभी भी विपसना सेंटर्स है एंड स्टिल देर आर सो मेनी पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलोज द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म ओके सो कभी जाना आप लोगों ने विपसना सेंटर में दस दिन का रहता है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो एक बार उसको लेकर देखना ओके सो दिस इज वॉट द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म इज आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओके एक बार क्विकली आई विल टेल यू इन टू मिनट्स की जैसे हम लोगों ने देखा बुद्धा जो है वो प्रिंस थे अपने घर में एक किंग के घर में पैदा हुए चार मेन एनकाउंटर्स हुए ही सॉ एन ओल्ड पर्सन ही सॉ एन डिसीज पर्सन डेड बॉडी और एसेटिक योगी इन सब लोगों का बुद्धा के माइंड के ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ ओके सो बुद्धा के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग इसका आंसर ढूंढने के लिए बुद्धा फॉरेस्ट में और अपनी जर्नी पे निकल पड़े छः साल तक कंटिन्यूसली ये सब करते रहे बुद्धा फाइनली उन्होंने अपने भीतर जाकर इन सब चीज़ों का आंसर ढूंढा कि ये हमारा माइंड है जिसके पास इतनी क्रेविंग्स है और इतनी डिज़ायर है और इन सब चीज़ों के वजह से ही ह्यूमन्स की सफरिंग होती है सो फिर बुद्धा ने फोर नोबल टूट्स दिए और लोगों को बताया कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं कैसे बाय फॉलोइंग दी एट फोल्ड पाथ और फिर उसके बाद में बुद्धिज़्म कंटिन्यूसली इंडिया में स्प्रेड होता रहा ओके तो बुद्धा की पर्सनैलिटी भी है संघा है और फिर उसके बाद में उस टाइम के राजा लोगों ने भी बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया अशोका है कनिष्का है है ना सो so, इवन अशोका के बारे में आप लोग एंशेंट इंडिया में पढ़ोगे दैट अशोका uh, ने जब कलिंगा वॉर लड़ा सो आफ्टर फाइटिंग द कलिंगा वॉर ही लेफ्ट ऑल दी फाइटिंग्स ओके सो देन ही फॉलोड दी नॉन वायलेंस पाथ सो ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुद्धिज़्म फिर उसके बाद में उसतूपाज है चैत्या विहारास ये सब बने है ना बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया तीन इसमें सूत पितक पी विनय पीतक और अभिधम पीतक सो so इन सब किताबों में बुद्धा ने जो टीचिंग्स बताए थे लोगों के लिए और संघ के लोगों के लिए सब के लिए जो भी बुद्धा ने टीचिंग्स बताई थी इन सब को कंपाइल किया गया ओके एंड नाउ द टीचिंग्स

ओके सो फोर नोबल ट्रूथ्स में कौन सा ऑप्शन है और नहीं है संघा क्या होती है बुद्धा की टीचिंग्स को कौन सी किताबों में कंपाइल किया गया ओके okay, सो so बुद्धा बुद्धिज्म से जुड़े हुए स्ट्रक्चर है स्तूपा है चैत्या है विहाराज है सो so इन सब चीजों को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड